हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक लिया था पीएच मीटर। आज हम बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड टॉपिक लेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूज एक इंस्ट्रूमेंट है। इसको हम देखिए इन हेडिंग में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, फिर इसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, प्रिंसिपल, सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन और अलग अलग टाइप के सेंट्रीफ्यूज और इसके एप्लीकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए प्रोसेस यूज टू सेपरेट और कंसंट्रेट मटेरियल्स सस्पेंडेड इन ए लिक्विड मीडियम। द थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ दिस टेक्निक इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन प्रैक्टिसेज इन सस्पेंशन। टू पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मास विल सेटल इन ए ट्यूब एट डिफरेंट रेट्स इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी। इट मीन्स सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूज एक ऐसी तकनीक है या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम कोई भी लिक्विड, जिसमें दो या दो से अधिक पार्टिकल जिनकी जिनका भार या जिनका घनत्व अलग अलग है, उनको हम उस लिक्विड में सेपरेट कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूज टेक्निक के द्वारा। मान लीजिए हमारे पास, हमने रेत का सैंपल लिया, ठीक है, उस सॉइल को मैंने पानी में घोल लिया। अब उस सॉइल के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल हैं, जैसे मान लीजिए आयरन का पार्टिकल है, कॉपर का पार्टिकल है, तो इन सब की डेंसिटी अलग अलग है। तो इन सब को मैं सेंट्रीफ्यूज के द्वारा अलग अलग कर सकती हूँ। तो इस प्रकार सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए प्रोसेस यूज टू सेपरेट और कंसनट्रेट मटीरियल। आप सेपरेट करना कह दीजिए चाहे कंसनट्रेट कह दीजिए, क्योंकि जब कोई चीज़ प्योर होती है तो उसकी कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। तो सेंट्रीफ्यूज इस प्रकार एक तकनीक है जिसके द्वारा आप किसी भी तरल माध्यम में बहुत सारे पदार्थ जिनकी डेंसिटी अलग है उनको सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन। ये देखिए एक सेंट्रीफ्यूज का एक फोटो है। अलग अलग टाइप के सेंट्रीफ्यूज आते हैं। ये देखिए, ये इसका जो मेन इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर हम टेस्ट ट्यूब में वो लिक्विड जिसके अंदर हमें वो मिक्सचर डालना है, उस टेस्ट ट्यूब में लिक्विड, लिक्विड में जो मिक्सचर है उसको डालकर और इसके अंदर रख देते हैं। फिर ये जो रोटर है, ये एक तरीके से रोटेशन करता है। जब सेंट्रीफ्यूज को स्टार्ट किया जाता है तो बहुत तेज़ी से रोटेट करता है। रोटेशन पर एक बल काम करता है जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसको हम अभी आगे डिटेल में लेंगे। तो ये एक फोटो है सेंट्रीफ्यूज का। नेक्स्ट देखिए इंट्रोडक्शन। सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर द सेडिमेंटेशन ऑफ हाइड्रोजिनस मिक्सचर विद ए सेंट्रीफ्यूज यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड इन लेबोरेटरी सेटिंग्स। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि इसमें देखिए, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में हमने एक लिक्विड डाल दिया, उस लिक्विड में हमने वो मिक्सचर डाल दिया जिसके अंदर जो पदार्थ मिक्स हैं उनको हमें सेपरेट करना है। फिर हम इसको पैक करके इसमें जब रोटेशन करवाएंगे, सेंट्रीफ्यूज करवाएंगे, तो ये बहुत तेज़ी से घूमते हैं, 4000 रोटेशन पर मिनट, 15000 रोटेशन पर मिनट। जब कोई चीज़ इतना तेज़ी से किसी सर्कुलर पाथ पर रोटेट होती है तो उसके अंदर उपस्थित जितने भी पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर एक बाहर की तरफ, वो जो सर्कुलर पाथ है उससे बाहर की तरफ एक बल कार्य करता है, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल, केंद्र से दूर की तरफ जो बल लग रहा है। अब ये जो बल है ये डिपेंड करता है, एफ बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एसिलरेशन। एसिलरेशन को तो छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो सब पर बराबर होगा, लेकिन डिफरेंट पदार्थ का जो मास है वो अलग अलग होगा। तो जिसका एम ज़्यादा होगा, यानी कि जिसका मास ज़्यादा होगा, उन पार्टिकल्स पर फोर्स भी ज़्यादा, तो वो पदार्थ नीचे बैठ जाएंगे। जिन पदार्थ का मास कम है यानी भार कम है उनके ऊपर फोर्स भी कम। क्यों? क्योंकि एफ बराबर एम इंटू ए, तो एम कम तो फोर्स कम, तो वो पदार्थ उस लिक्विड में या उस परख नली में, उस टेस्ट ट्यूब में ऊपर की तरफ रह जाएंगे। तो इस प्रकार सभी पदार्थ अलग अलग मास के हैं, अलग अलग सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स कार्य करेगा, तो वो अलग अलग जगह पर एकत्रित हो जाएंगे। यही चीज़ इसमें लिख रखी है। दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स। दो मतलब इमिसिबल का मतलब जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते उनको ये सेपरेट कर सकता है। मोर डेंस कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर माइग्रेट अवे फ्रॉम द एक्सेस ऑफ सेंट्रीफ्यूज
वाइल लेस डेंस कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर माइग्रेट टुवर्ड द एक्सिस। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि जो भारी हैं उनके ऊपर कम ज़्यादा बल लगेगा, जो हल्के हैं उनके ऊपर कम बल लगेगा, तो वो अलग अलग जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। प्रिंसिपल, एक्चुअली सेंट्रीफ्यूज का जो प्रिंसिपल है वो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स ही है। इसके अलावा पार्टिकल्स का अलग होना या पार्टिकल्स पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वह डिपेंड करता है कि आपने कौन सा लिक्विड लिया है, पानी लिया है, तेल लिया है, घी लिया है, आपने पारा लिया है, कुछ भी लिया है, उस मीडियम की विस्कोसिटी प्रभावित करती है। दूसरा, जो पार्टिकल सेपरेट हो रहे हैं उनकी मास और डेंसिटी प्रभावित करती है। तो मेन तीन फैक्टर हैं जो सेंट्रीफ्यूज में पार्टिकल्स के सेपरेशन को प्रभावित करते हैं, दीज आर विस्कोसिटी ऑफ मीडियम एंड मास एंड डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। तो देखिए प्रिंसिपल, ए सेंट्रीफ्यूज इज ए डिवाइस फॉर सेपरेटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, डेंसिटी, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड रोटर स्पीड, यानी कितनी तेजी से वो घूम रहा है। इन ए सॉल्यूशन पार्टिकल्स हुज डेंसिटी इज हायर देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट सिंक एंड पार्टिकल्स दैट आर लाइटर दैट इज फ्लोट टू टॉप। तो जैसा मैंने आपको कहा था, जो भारी हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, जो हल्के हैं वो ऊपर की तरफ रह जाएंगे। तो ये घनत्व के आधार पर आप नीचे से ऊपर की तरफ आओगे उस टेस्ट ट्यूब में, तो भारी से हल्के की तरफ आओगे, भारी पार्टिकल्स नीचे, थोड़े हल्के ऊपर, और हल्के ऊपर, और हल्के सबसे ऊपर। द ग्रेटर द डिफरेंस इन द डेंसिटी द फास्टर द मूव, ठीक है। इफ देयर इज नो डिफरेंस, ये कहना चाह रहा है कि जितना ज़्यादा घनत्व में अंतर होगा उतना ही वो पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। तो अभी मैंने जैसे आपको समझाया, भारी पार्टिकल्स नीचे, हल्के पार्टिकल्स ऊपर। टू टेक एडवांटेज ऑफ इवन टीनी डिफरेंसेज इन डेंसिटी टू सेपरेट वेरियस पार्टिकल इन सॉल्यूशन, ग्रेविटी कैन बी रिप्लेस विद अ मच मोर पावरफुल। अभी मैंने देखो आपके कहा था कि विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम प्लस पार्टिकल का जो मास और डेंसिटी वो प्रभावित करते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज और प्रभावित करती है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी मैंने आपको समझाया, जब कोई भी चीज किसी सर्कुलर पाथ पर रोटेशन कर रही है, तो जैसे मान लो ये चीज, ये कोई पार्टिकल है, ये सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, इस पाथ पर घूम रहा है, तो जब ये घूमेगा तो इसके ऊपर एक बाहर की तरफ बल कार्य करेगा, इस बल को ही कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज इज ए पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट पुट्स एन ऑब्जेक्ट इन रोटेशन अराउंड ए फिक्स्ड एक्सिस, जो मैंने आपको इतनी देर समझाया वही चीज है। फिर देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन, सेंट्रीफ्यूज जो होते हैं मैंने आपको कहा ये घूमते हैं सर्कुलर पाथ पर, तो ये जो कितनी स्पीड से घूमते हैं उसके आधार पर सेंट्रीफ्यूज तीन प्रकार के होते हैं, लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज जैसे नाम से पता चल रहा है कि इनकी स्पीड कम होगी, अधिकांश लेबोरेटरी में यही काम में आते हैं। इनकी स्पीड होती है 4000 टू 5000 रोटेशन पर मिनट, आरपीएम का मतलब रोटेशन पर मिनट। दीज इंस्ट्रूमेंट्स यूजुअली ऑपरेट एट रूम टेम्परेचर विद नो मीन्स ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है। इसके अंदर टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं है। इसमें दो प्रकार के रोटर्स यूज होते हैं, जिसे कहते हैं फिक्स्ड एंगल एंड स्विंगिंग बकेट। इट इज, इसके क्या क्या यूज है, सेडिमेंटेशन ऑफ आरबीसी और इसके अलावा पैलेट और सुपरनेटेंट, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए लो स्पीड का यूज किया जाता है लेबोरेटरी में, ये लो स्पीड का फोटो। फिर हाई स्पीड, कुल मिला के इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी। हाई स्पीड के अंदर 18000 रोटेशन पर मिनट होते हैं, आप ध्यान रखिए 18000 आरपीएम इसकी स्पीड होती है। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज आर यूज इन मोर, इसका यूज है सोफिस्टिकेटेड बायोकेमिकल एप्लीकेशन में, हायर स्पीड एंड टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ रोटर चैम्बर आर असेंशियल, जबकि लो स्पीड में ये नहीं था। द ऑपरेटर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट कैन केयरफुली कंट्रोल स्पीड एंड टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सेंसिटिव बायोलॉजिकल सैंपल्स, तो ये इसका है। फिर लास्ट में है अल्ट्रा स्पीड। अल्ट्रा स्पीड की जो स्पीड होती है वो होती है 20000 से 60000 रोटेशन पर मिनट, तो आप इसकी स्पीड ध्यान रखिए। नेक्स्ट, ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का डायग्राम,
ये सेंट्रीफ्यूग रोटेटर जो मैं आपको कह रही थी, ये देखिए मेन जो रोटर होता है जो घूमता है, इसके अंदर ये स्टैंड है, इस स्टैंड में ये देखिए टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हम वो मटेरियल प्लस लिक्विड में मिक्सचर बना के और इनमें भरकर फिर इस लिड को इसके ऊपर रख देते हैं, फिर हम जब सेंट्रीफ्यूज को स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत तेज़ी से घूमता है रोटेशन, इसे कहते हैं रोटर। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं करना है, तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड एंगल रोटर दीज भी ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना है। फिर है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये हमें इसका जनरल आइडिया ही लेना है, हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना, आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा मेंशन नहीं है। ये सेंट्रीफ्यूज के एग्जाम्पल हैं, हमें आरबीसी सेल्स को सेपरेट करना है, हमें प्लाज्मा में से ब्लड को, सेल्स में से न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को या प्रोटीन को, किसी को भी सेपरेट करना है, तो अलग अलग स्पीड के सेंट्रीफ्यूज का यूज़ किया जाता है। फिर देखिए कैलकुलेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ए रियल और रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अकर्स इन रिएक्शन टू द सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द मास। तो जैसा मैंने आपको कहा था एफ बराबर एम ए, फोर्स का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ रखा है, तो देखिए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है एफ बराबर एम ए। ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। ओमेगा यहाँ पे है एंगुलर वेलोसिटी, जैसे हम सीधी लाइन में चलते हैं तो होती है लीनियर वेलोसिटी, वैसे ही यहाँ पे जब रोटेशन इस सर्कुलर पाथ पर हो रहा है तो जो वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा, देन ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, एम बराबर मास। तो एफ बराबर एम ए या एफ बराबर एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। ये देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैंने इसको लैंग्वेज में लिख दिया है एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। ये ओमेगा का फॉर्मूला है डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, जैसे हम लीनियर वेलोसिटी ज्ञात करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे एंगुलर वेलोसिटी चेंज इन एंगुलर डिस्टेंस उसे कहते हैं डी थीटा विद टाइम, ओके। फिर अदर एप्लीकेशन, सेपरेटिंग चॉक पाउडर, रिमूविंग फैट फ्रॉम मिल्क, सेपरेटिंग टेक्सटाइल्स, रिमूविंग वाटर फ्रॉम लेट्यूस आफ्टर वॉशिंग इट इन ए सैलड स्पिनर, सेपरेटिंग प्रैक्टिकल्स फ्रॉम इन एन एयर फ्लो यूजिंग साइक्लोनिक सेपरेटर। तो इसके बहुत सारे यूज हैं। सेंट्रीफ्यूज का उपयोग किसी भी लिक्विड मीडियम में उपस्थित जो माइन्यूट पार्टिकल्स है उसको प्योरली सेपरेट करना है, कोशिका के बहुत सारे कोशिकांग, एंजाइम, प्रोटीन, फैट मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रोबायोम्स हैं, इन सबको हम इस से पृथक कर सकते हैं। जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है उसका प्रयोग सबसे पहले स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे ट्वी स्वेडबर्ग, इन्होंने किया था 1925 में, इन्होंने प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात किया था जिसके लिए उनको 1926 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इनको इन्होंने सेडिमेंटेशन कांस्टेंट के रूप में व्यक्त किया था, सेडिमेंटेशन यूनिट स्वेडबर्ग इकाई या इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। हम पढ़ते हैं 35S प्रोटीन, 42S प्रोटीन, 26S, 16S, 18S, 5S, 5.5S, तो वहाँ पे जो एस है वो एक्चुअली सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट ही है। सेडिमेंटेशन यानी अवसादन स्थिरांक की किस रेट से वो नीचे अवक्षेपित या अवसादित हो रहे हैं, तो वो जो एस जो अपन आरआरएन में पढ़ते हैं वो यही है। एक एस का मान 1×10^-12 यानी 10^-12 सेंटीमीटर पर सेकंड पर डाइन पर ग्राम होता है। तो ये सेंट्रीफ्यूज का यूज, ये सेंट्रीफ्यूज की कुछ और यूज है। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में हम देंगे नेक्स्ट टेक्निक के बारे में। थैंक यू।